लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर यहाँ पे किसी टाइप के मैजिक वेपन का यूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब एक पर्सन का पेरेंट्स अपेयर होता है जो और कोई नहीं बल्कि डीमन पैलेस का डीमन सुप्रीम था। तब इसे देखते हुए मिस जून कह रही थी, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोल्ड मास्टर के पास ये ट्रिक भी अवेलेबल है। इसने इस मूवमेंट के लिए डीमन सुप्रीम हाइलोंग के अपेयरेंस को बचा के रखा था। तब लूशन पूछता है कि क्या ये व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम से ज्यादा पावरफुल है, जिस पर मिस जून कहती है कि कौन ज्यादा पावरफुल है ये तो नहीं पता, लेकिन ये दोनों ही पुराने समय के सुप्रीम बींग है, इसीलिए आगे जो होगा उसे सिर्फ हम वेट करके देख सकते हैं। और अब व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि हाइलोंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम ये छोटे मोटे लोगों की हेल्प से मुझे डिफीट कर सकते हो। जिस पर हाइलोंग कहता है कि तुम्हें डिफीट करने के लिए मुझे भला किसकी जरूरत है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो चीज मेरी थी उसे तुम मुझे वापस कर दो और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। तब व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि जो चीज तुम्हारी है ही नहीं उसे तुम बेवजह लेने की जिद कर रहे हो, इसीलिए आखिरी मौका दे रहा हूँ यहाँ से चले जाओ वरना बाद में तुम मुझे ब्लेम मत करना। जिस पर हाइलोंग बहुत ही गुस्से में कहता है कि गद्दार तुमने मुझे धोखा दिया, अगर मैं तुम्हें भरोसा नहीं करता तो आज मैं जिंदा होता और वो चीज भी मेरी होती। तब व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि तुम नफरत की वजह से अंधे हो गए थे, इसीलिए तुम्हें रोकने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था। जिससे सुनकर हाइलोंग कहता है कि बास्टर्ड आज तुम दोबारा मेरे हाथों से मरोगे और मेरे लोग यहाँ से उस चीज को तो ढूंढ ही निकालेंगे। जिस पर अविता कहते हैं हाइलोंग एक ड्रैगन में चेंज हो जाता है। तब इसे देखते व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे इन दोनों की एक अच्छी खासी फाइट शुरू हो जाती है। तब इस फाइट की वजह से इस प्लेस का ही प्रोटेक्टिव शील्ड अब अपने आप ही वीक होने लगता है, जिसे देखते हुए लूशन कहता है कि वो नहीं, ये शील्ड तो अब ब्रेक हो रहा है। तब मिस जून कहती है कि अगर इस प्लेस का सील ब्रेक हुआ तो फिर हमें भी इस प्लेस के अंदर जाके उस चीज को इन लोगों से पहले अचीव करना होगा, जिसे व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम ने यहाँ पे हाइड किया है, वरना अगर इन लोगों के हाथ में व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम का कोई भी ट्रेजर या फिर कोई भी पावर लग गया तो फिर मुझे डर है कि ये लोग हमें भी यहाँ से जिंदा लौट के नहीं जाने देंगे। जिस पर अब इन दोनों सुप्रीम्स के फाइट की वजह से फाइनली इस प्लेस का ये बैरियर ब्रेक हो जाता है। तब ये एल्डर खुली चेतावनी देते हुए कहता है कि जो भी इस प्लेस के अंदर आएगा वो साफ तौर पर बाय फैमिली का दुश्मन होगा, और ये कहकर ये एल्डर अपने पूरी पावर से इस प्लेस के बैरियर पे एक पंच मार देता है। तब रास्ता मिलते ही बाय फैमिली के सारे लोग अब इस प्लेस के अंदर चले जाते हैं, जिसे देखकर ये लोग भी अब बिना कोई देरी किए सीधे इस प्लेस के अंदर जाने लगते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हमें इस प्लेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वार्निंग मिलने के बावजूद भी बहुत से लोग छुपते छुपाते घुस आए थे। तब लूशन अब आसपास देखते हुए कहता है कि यहाँ पे भला ट्रेजर कहाँ हो सकता है, जिस पर सुजून भी कहती है कि राइट यहाँ पे तो चारों तरफ बस पिलर ही पिलर्स है। तब अचानक सब यहाँ पे मौजूद पिलर्स हिलने लगते हैं, जिसे देखते हुए लूशन सुजून को पीछे करते हुए कहता है कि केयरफुल हो जाओ। तब इधर हम देखते हैं कि सारे पिलर सब जायंट स्टोनमेंट में कन्वर्ट होने लगते हैं, और देखते ही देखते यहाँ पे स्टोनमेंट की एक पूरी मंडली ही खड़ी हो जाती है, जिसे देखते हुए मिजून कह रही कि वो तो यहाँ की गार्डियन ये है। तब बाय फैमिली गार्ड अभी एक साथ इन स्टैचू की ओर बढ़ते हुए कहते हैं कि सबको खत्म कर दो, किसी को भी छोड़ना मत, जिसे देखकर मीन कहती है कि आखिर इन लोगों के पास इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है। तब मीन कितना कहते हैं हम देखते हैं कि यह स्टैचू बस एक ही अटैक में इन सबको निपटा देता है, जिस पर मिस जून एवोल्यूशन से कहते हैं कि मैं इन लोगों को देखती हूँ, तुम जाके उस ट्रेजर को ढूंढो, और ये कहकर मिस जून अपनी पावर से इन स्टैचू को क्रश करना शुरू कर देती है। तब एवोल्यूशन अब यहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है मैं उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग यहीं पे मेरा वेट करना। जिस पर सुजून कहते हैं कि लूशन क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम अकेले कर लोगे, तब लूशन कहता है कि बिल्कुल बस मुझ पे भरोसा रखिए, और ये कहकर लूशन अब सीधे इस प्लेस के अंदर की ओर जाने लगता है। मगर तभी रास्ते में एक स्टोन का स्टैचू लूशन को अंदर जाने से रोक लेता है, जिसके बाद यहाँ पे चार पांच स्टैचू मिलकर लूशन को घेरने लगते हैं। तब लूशन फिर से स्टोकन का यूज करता है और अपने वाले स्टैचू को इन सबके सामने अपेयर कर देता है, मगर ये स्टैचू इतने पावरफुल थे कि ये बस एक ही पंच में लूशन के स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसे देखकर लूशन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि ये स्टैचू तो मेरे वाले स्टैचू से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। और अब फिर से लूशन स्टोकन को ऊपर करते हुए कहता है कि देखो ये तुम लोगों के भगवान का टोकन मेरे पास है, इसीलिए अब स्टोकन की पावर को समझो और मेरी आज्ञा का पालन करो। लेकिन ये स्टैचू बिना कुछ सुने लूशन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर लूशन अब बहुत ही फनी तरीके से भागते हुए कहता है कि लगता है ये टोकन सिर्फ उसी स्टैचू को कंट्रोल कर सकता था। और अब इसी तरह से बच बचा के भागते हुए लूशन एक ब्लेस पे पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपने सामने एक पिलर को देखता है जिसमें से एक ब्लैक कलर का स्मोक निकल रहा था। तब इस पिलर को देखते हुए लूशन कहता है कि ये पिलर थोड़ा अजीब है, और ये कहकर लूशन अब इस पिलर को टच कर लेता है। तब इस पिलर को टच करते ही अब लूशन के बॉडी में किसी टाइप की इविल एनर्जी एंटर कर जाती है, जिसके बाद लूशन बिल्कुल पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। तब ये देखकर नाइन विजय लूशन से कहते हैं कि लूशन अपने होश में आओ, जिस पर लूशन अब होश में आते हुए कहता है कि अभी भी मुझे हुआ क्या था। तब नाइन विजय अब इस पिलर की ओर देखते हुए कहते हैं कि लूशन जितनी जल्दी हो सके इस पिलर से दूर हो जाओ, मुझे इस पिलर में किसी टाइप की इविल एनर्जी फील हो रही है। और फिर नाइन विजय बहुत ही गौर से इस पिलर के टॉप की ओर देखते हुए कहते हैं कि लूशन ऊपर देखो,
देखो, शायद यही वो ट्रेजर है जिसके लिए सारे लोग यहाँ पे आए हैं। तब इस ट्रेजर की ओर देखते हुए लूशियन कहता है कि वो क्या है। क्या मैंने व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम के मोस्टली रेयर ट्रेजर को ढूंढ लिया? जिस पर लूशियन बहुत ही फास्टली इस ट्रेजर को अचीव करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी कोई पीछे से लूशियन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखते हुए लूशियन भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर लूशियन नीचे की ओर आती हुई कहता है कि वो तो बाय फैमिली वाले भी यहाँ पे पहुंच गए। जिस पर यंग मास्टर बायो अपने लोगों के साथ यहाँ पे आते हुए कहता है कि सारी मेहनत हम करें और फल तुम ले जाओ, ऐसा कैसे होगा। तब लूशियन कहता है कि बड़बोलों की तरह बोलना बंद करो, जो कर सकते हैं वो करके दिखाओ। जिसे सुनते ही ओल्ड मैन अपने सैनिक साथ सीधे लूशियन को मारने के लिए बढ़ जाते हैं। तब लूशियन तुरंत अपनी पावर्स को अपेयर करता हुआ फाइट के लिए रेडी होने लगता है, जिस पर ये ओल्ड मैन सीधे अपने स्पेयर के साथ लूशियन को मारने के लिए आ जाता है। तब लूशियन फिर से अपने गॉड स्पिरिट का यूज करता है, जो की हेवनली व्हाइट टाइगर था, जिसे देखकर ये ओल्ड मैन बहुत ही शॉक होते हुए कहते हैं कि आखिर इस बच्चे गोल्ड लेवल की स्पिरिट कहां से आई। तब लूशियन अब बिना किसी देरी के इस अटैक को सीधे इन दोनों के ऊपर कर देता है, जिसे होल्ड करते करते ये आदमी कहता है कि मास्टर मैं इस अटैक को और ज्यादा डिफेंड नहीं कर सकता। तब इस आदमी कितना कहते हैं ये दोनों इस अटैक की चपेट में आते हैं, बहुत ही इंजर्ड होकर यहाँ से दूर गिरने लगते हैं, जिसे देखकर बाय बहुत ही शॉक होते हुए कहता है कि आखिर ये बास्टर्ड किस टाइप की ट्रिक का यूज कर रहा है। तब लूशियन अब इसकी ओर देखते हुए कहता है कि आंख दिखाता है मदरबोर्ड, और इतना कहकर लूशियन अब सीधे यंग मास्टर बाय को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, जिस पर अब थोड़ी दूर जाने के बाद लूशियन इसके ऊपर एक अटैक कर ही देता है। तब इस अटैक के लगते यंग मास्टर बाय सीधे जमीन पे गिर जाता है, जिस पर लूशियन अब अपने स्वॉर्ड को इसके ऊपर तनते हुए कहता है कि लगता है आज बाय फैमिली का चिराग बुझने वाला है। जिस पर यंग मास्टर बाय बहुत ही डरते हुए कहता है कि लूशियन अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर डीमन पैलेस के लोग तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ढूंढ के चुन चुन के मारेंगे। तब ये सुनकर लूशियन कहता है कि चलेगा, और ये कहकर लूशियन अपने एक पावरफुल अटैक को सीधे यंग मास्टर बाय के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से बाय के सारे मेरिडियंस और वेन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तब ये देखकर ये सैनिक कहता है कि इस बास्टर्ड ने यंग मास्टर बाय को पूरी तरीके से यूजलेस बना दिया है, जिस पर लूशियन कहता है कि जाओ जितनी जल्दी हो सके इसे एक अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाओ, वरना अगर तुम लोगों ने देर की तो फिर बहुत ही देर हो जाएगी। जिस पर अब ये ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे तुम अब बस हमारे लौट के आने का वेट करो, और अब यहाँ का ये पूरा एरिया ही कोलैप्स करने लगता है। तब ये देखकर लोग अब चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, फुल मून के डिसअपेयर होते ये एरिया भी डिसअपेयर हो जाएगा। जिसे सुनते ही लूशियन अब सीधे स्ट्रेजर की ओर देखता है, और फिर बहुत ही फास्टली स्ट्रेजर को सीधे अचीव करने के लिए चला जाता है, जिस पर अब यहाँ पे पहुंचे लूशियन सक्सेसफुल स्ट्रेजर को अचीव कर लेता है। लेकिन तभी कोई पीछे से लूशियन के ऊपर अटैक करता है, जिसे सेंस करते ही लूशियन बहुत ही फास्टली इससे बचने की कोशिश करता है, मगर ये एल्डर अपने पंच से लूशियन के स्पेल को तोड़ देते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।